ढोकला फाइनली हमें मिल गया जो कि हम लोग इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। तो आज यहाँ पर होली के इवेंट में हमें ढोकला मिला है जिसकी कॉस्ट जस्ट 15 रुपीज़ है। और मुझे लगता है कि ठीक है, आप न्यू डिश ट्राई कर रहे हो 15 रुपीज़ में, तो बहुत ही रिजनेबल है। साथ में बहुत सारी स्पाइसेस इन्होंने दी हैं, तो ट्राई करके देखते हैं ये कैसा होता है। सामने परिंदे किस तरह से उड़ रहे हैं। जा रहे हैं होली के इवेंट में, और ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है स्पेशली, जो अंदर अभी जाएंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया था। तो बेसिकली होली सेलिब्रेट करने का मकसद ही यही होता है कि मैं आप लोगों से वो सब कुछ शेयर कर पाऊँ जो न्यूज़ वाले आपको नहीं दिखाते। तो मेरे थ्रू, मेरी आइज के थ्रू आप लोग देखें होली इन पाकिस्तान का टाइम है। और यहाँ पर पानी का कुछ व्यू है, यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये बेसिकली बेनज़ीर भुट्टो पार्क है, और वो सामने जो है वो बहरिया टाउन बन रहा है, बहरिया आइकॉन। इन फ्लावर्स का तो नाम मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर ना आने का एक रीज़न है जो मुझे नॉर्मली नहीं पसंद यहाँ पर आना, और वो है ये गाढ़ा। मतलब यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आती है जिससे जो है ना वो दिल ख़राब हो जाता है। लेकिन ये कि व्यू अच्छा है लेकिन पानी गंदा है, क्योंकि सारा गंदा नाले का पानी जो है ना वो यहाँ पर आता है, तो वाकई साथ जो है ना वो स्मेल आती है। अभी भी स्मेल आ रही है। यहाँ पर कितना कचरा रखा हुआ है, ये पार्क के पास इस तरह से कचरा है, गंदा नाला, वो सामने से पाइप आ रहे हैं। यही रीज़न है मुझे ये पार्क पसंद नहीं है, ये मच्छर। मच्छी पीछे देख के भाग गई है। ये छोटा सा एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, इसके अंदर बेनज़ीर भुट्टो की यादें हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो यादें भी नहीं रही, ख़राब हो चुकी हैं, बर्बाद हो गया। ये आई टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग है, और ये सामने ग्लास टावर है। काफ़ी इस लिहाज से अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। और वो अंकल इतनी बदबू के पास खड़े होकर इतनी सेल्फियाँ लिए जा रहे हैं, नज़र आ रहा है अंकल? कौन लेता है यार पिक्चर्स, कौन लेता है बताओ मुझे। ये है कि शाम में ही यहाँ पर स्पेशल इवेंट्स होते हैं, डे में इतना लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, मैं अर्ली आ गई थी, लेकिन यह है कि अब वेट कर रही हूँ ताकि ये लोग होली का इवेंट है वो स्टार्ट हो, तो फिर हम लोग अभी जो है वो कवर कर पाएँ कि अंदर कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मोस्टली लोग आप लोगों से इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करते होंगे, जिसमें मतलब कि लोग किस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं, माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर कैसे राइट्स मिलते हैं, वो आज़ादी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सेलिब्रेट। तो बेसिकली एक गवर्नमेंट पार्क है, और यहाँ पर भी लोग इवेंट करते हैं। होली का फर्स्ट डे जो होता है वो लोग अपने मोहल्लों में, एरिया में करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे अपना प्रीवियस व्लॉग भी शेयर किया था। यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, तो वहाँ पर हम लोग जो है मुझे इनवाइट भी किया था, तो मैंने कहा चलो जाते हैं और एक्सपीरियंस के कैसे होली यहाँ सेलिब्रेट की जाती है। तो सुपर डुपर एक्साइटेड। वाटर गन्स जो एक दूसरे पे कलर फेंकेंगे। विरमल वानिया एंड अश्वंत राजपूत एंड राजकुमार वघेला, इन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। यह कलरफुल जो है वो यहाँ पर इन्होंने जो है वो टेंट लगाए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट कलर्स, मतलब कि डिफरेंट होली के जो कलर्स होते हैं वही सेम जो है उस तरह से इन्होंने डेकोरेट किया। मुझे बहुत पसंद आया कि इन्होंने जो है वो सेम वैसे ही बैकग्राउंड पे देखो कलरफुल जो है वो सारा चारों तरफ से जो है वो इन्होंने, पहर 3 बजे से कंटिन्यू हुआ हुआ था, तो अज़ान की वजह से फिर इन्होंने रोक दिया था, और अब दोबारा से स्टार्ट होगा थोड़ी देर के बाद। मतलब यहाँ पर डिस्को भी होने वाला है, डिस्को मीन्स के म्यूज़िक के साथ। ये पिंक कलर है, और साथ में ये है पर्पल, माय फेवरेट कलर है, एंड आल्सो पिंक वन। हाँ कलर है, येलो नहीं है आपके पास? येलो भी आएंगे। अच्छा अच्छा
पर्पल कलर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सारे ही डार्क है, मतलब जिसने भी लगाया ना वो नजर नहीं आने वाला। बच्चे बाय करने आए हैं कलर। 50 का पैकेट। ओके ओके। जो पैकेट है वो 50 रुपीज़ का मिल रहा है। तो आप लोगों के यहाँ कितने का मिलता है ये तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। बाकी लाइटिंग्स बहुत अच्छी की हुई है इन्होंने, यहाँ पर फूलों के ऊपर जो है लाइट्स लगाई हुई हैं और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। होली तो रियल बच्चों की होती है, इतना एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। भाई क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? जो बच्चे के ऊपर बैठे हुए थे, मतलब बहन भाई लग रहे हैं, मतलब छोटे के ऊपर जो है ना उसकी बहन बैठी हुई थी। ओ वाओ, इनके पास एक न्यू चीज है जो कि वो चीज है यूनिक चीज, और ये है इसको क्या कहते हैं, खम्मन ढोकला। ढोकला, ढोकला मतलब मुझे नाम इसका याद नहीं आ रहा था जहन में। तो ये ढोकला है यहाँ पर जो कि बहुत ही ज्यादा गुजराती खाते हैं ना, जो होता है ये गुजराती बहुत ज्यादा खाते हैं। तो आप गुजराती हैं? आप गुजराती हैं? अच्छा अच्छा, तो ये आपने स्टॉल लगाया है, कैसे दे रहे हैं ये 15 रुपीस पर पीस। 15 रुपीस का है? ओनली 15 रुपीस। वाओ। जी जी, मुझे ट्राई करवाएं, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। इसके साथ में कुछ होता है? ये क्या सॉस है? ये स्पाइसी है। अच्छा अच्छा, ये इसके साथ किस चीज की स्पाइसेस हैं? ये मिक्स सारे मसाले हैं इसमें। ओके मिक्स। ये रहा ढोकला, फाइनली हमें मिल गया जो कि हम लोग इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। तो आज यहाँ पर होली के इवेंट में हमें ढोकला मिला है जिसकी कॉस्ट जस्ट 15 रुपीज़ है, और मुझे लगता है कि ठीक है, आप न्यू डिश ट्राई कर रहे हो 15 रुपीज़ में तो बहुत ही रिजनेबल है। साथ में बहुत सारी स्पाइसेस इन्होंने दी हैं, तो ट्राई करके देखते हैं ये कैसा होता है। ढोकला आ गया, अब ढोकला ट्राई करते हैं। तो ये स्पंची स्पंची सा लग रहा है मुझे, सॉफ्ट था, और इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस हैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, स्पंची है, और इसके साथ जो है ना ये सीड्स लगे हुए हैं, मस्टर्ड सीड्स। मतलब गुजराती फूड में मैंने देखा है नॉर्मली ज़्यादातर मस्टर्ड सीड ही यूज़ किए जाते हैं, और ऊपर कुछ स्पाइसेस हैं, ग्रीन चिली और अच्छा है, बहुत टेस्टी है। खट्टा सा आ रही है, मतलब इसमें योगर्ट जैसा फ्लेवर आ रहा है। आई थिंक मैंने योगर्ट डाली है, दही भी डाली है इसके अंदर आपने? मैंने गैस सही किया ना?
चल रही है, लेकिन वो उसको कलर नहीं लगा पा रही। वैसे एक बात है कि सच्चा दोस्त कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन होली के दिन जो है ना वो आपको हाथ दिखाई देता है कलर लगा कर। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, कमेंट में लिखो, बताओ मुझे कैसा होता है आप लोग के साथ। दो मैं भी लगाऊंगी। ओके, हैप्पी होली। आपका नाम क्या है? मेरा साइमा है। आप लोगों का क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा है। नाम है मनीषा। मनीषा और आप? मैं वंशी। वंशी और मेरा नाम है साइमा। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हैप्पी होली बोल दो। हैप्पी होली। ये कोई माफी नहीं है। वो बच्ची मुझे आके कहती है वो टिकरा जो है ना, टिकरा वो खो गया है। गुजराती में बोल रही थी। वो टिकरा टिकरा गुजराती में बोलते हैं ना। सो आई होप कि आपको ये होली का इवेंट अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, और आप लोगों को इसी तरह से इन रंगों की तरह आप खिलते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। और बस उम्मीद ये है कि आप लोग भी इंजॉय करें, और आप लोगों का इवेंट कैसा गुजरा होली का फेस्टिवल, सो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को वो भी आप मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हैं, कलर्स लगा रहे हैं एक दूसरे को। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत इंजॉय किया मैंने। और बस ये दिखाना चाहती हूँ कि कराची में भी इसी तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं होली, और हम लोगों ने भी इंजॉय किया, तो इसने भी इंजॉय किया। इसने कलर लगा दिया उसकी आंखों के अंदर। इसने कलर लगा दिया था, तुमने कलर लगा दिया था ना? यदि हाँ, मैंने कलर लगा दिया था। तो खैर फॉरेंस बन गए, लेकिन नॉर्मली मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आई और काफ़ी मतलब लोगों से कनेक्टिविटी हुई, तो काफ़ी अच्छा लगा। इसकी आंखों के अंदर कलर चला गया था। आप इसने बहुत अच्छी है, देखो रेड हो रही है इसकी आईज। मानसिका की, मानसिका है ना, मनीषका, सॉरी मनीषका, गुजराती हो तुम, गुजराती।
देखो उसकी आंख लाल हो गई, उसने आया और आके उसने कलर डाल दिया उसकी आईज के अंदर। इसने डाला था? इसने। ये तुम्हारी सिस्टर है, कजन है, दोस्त है? हाँ तो कजन है ना, पापा की लड़की कजन ही होती है ना। बुरा ना मानो, होली है, होली है, हैप्पी होली। ऐसे लोग भी होते हैं जो नॉर्मली कुछ भी हो जाए ना दोस्ती यारी में ऐसा होता है कि गद्दारी करे ना करे लेकिन होली में उनका जरूर दिखाते हैं ये कलर दिखाकर। देखो देखो इसने कलर डाल दिया मेरे ऊपर, ये सब पे फेंक रहा है, सब पे ये कलर फेंक रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। जोर से बोलो। ये प्रीत ने मेरे ऊपर कलर फेंक दिया है, इतना सारा कलर है। इसकी आंख में कलर डाल दिया उसने, इस लड़के ने कलर इसकी आंख में भी डाला है, इसकी आंख में भी डाला है, दोनों की हालत देखा। अब ये दोबारा आया है शिकार करने के लिए। तो फाइनली हम लोग घर वापस आ गए हैं और कलर भी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा लग गया। और ये देखो इतना होली नहीं खेल पाई क्योंकि वहाँ भी मेरे जानने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी बुरा ना मानो होली है वो वाला करके ना मैंने लोगों को कलर लगा दिया। स्पेशली बच्चों के साथ बहुत मज़े से खेली क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे कलर लगाया। आज का वीडियो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये मैं फर्स्ट टाइम होली नहीं खेली, इससे पहले लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट टाइम खेला था। उसका लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हो कि मेरे फर्स्ट टाइम मैंने जब होली खेला था तो उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो खैर इस बार भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे इनवाइट किया था जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, अश्वन विमल वगैरह सब ने, और काफ़ी अच्छा इवेंट रहा, मज़ा आया। लेकिन ये है कि यही कहना चाहूँगी कि मैं दिखाना चाहती हूँ अपने वीडियो के थ्रू कि एज बीइंग मुस्लिम हमें भी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने हिंदू कम्युनिटी के साथ जो है वो सेलिब्रेट किया। देखो हम एक कंट्री में मिलकर रहते हैं तो फिर जब हम एक कंट्री में मिलकर रह सकते हैं, एक कंट्री हमारी सबकी है, तो फिर उनकी एक दूसरे की खुशियों में भी शामिल होना हमारा फ़र्ज बनता है। तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की खुशियों में शामिल होकर जो है वो खुशियों में शामिल होकर एक दूसरे को जो है वो मिलजुल कर सेलिब्रेट करना, यही हम लोगों का एक एम होना चाहिए।
मज़हब को एक साइड पे रख के हमें लोगों की खुशियों में शामिल होना चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी होगी और ये सेलिब्रेशन जो कि पूरी दुनिया में लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी किस तरह सेलिब्रेट करती है। तो